कॉफी विद करण के लेटेस्ट सीजन में अपनी उपस्थिति के दौरान सामंथा रूद प्रभु ने एक चौंकाने वाला रहस्य रिवील किया कि उनके और उनके एक्स पति नागा चैतन्य के बीच चीजें फ्रेंडली नहीं थी। उसने कहा, अगर आप हम दोनों को एक कमरे में रखते हैं तो आपको तेज वस्तुओं को छिपाना होगा। अब एक नए इंटरव्यू में नागा चैतन्य ने जवाब दिया कि अगर वह अब सामंथा से मिलते तो मैं नमस्ते कहूंगा और उसे गले लगाऊंगा। नागा चैतन्य और सामंथा रूद प्रभु ने अक्टूबर 2021 में अलग होने की घोषणा की, जिससे उनके प्रशंसक सदमे में आ गए। चैतन्य ने हाल ही में अलग होने के बारे में अपनी चुप्पी के पीछे के कारण के बारे में बात की। ई टाइम्स के साथ बात करते हुए लाल सिंह चड्ढा अभिनेता ने कहा, हम दोनों जो कुछ भी कहना चाहते थे हम दोनों ने उसके बारे में एक बयान दिया। वैसे भी मैंने हमेशा अपने निजी जीवन के साथ यही किया है, जो चीजें मुझे लगता है कि साझा करना है और बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण है, मैं मीडिया को इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मैं बाहर आता हूँ, एक बयान के जरिए लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। हमारे मामले में सामंथा आगे बढ़ गई है, मैं आगे बढ़ गया हूँ और मुझे इसके बारे में दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मेरे दोस्त, परिवार और जो लोग मायने रखते हैं वे सभी जानते हैं। जितना अधिक मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा उतनी ही अधिक खबरें बनेंगी, इसलिए मैं बस इसके बारे में शांत रहता हूँ। नागा चैतन्य आमिर खान के साथ बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेंगे। चैतन्य आमिर के सैन्य मित्र बलाराजू के रूप में दिखाई देंगे। यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।